हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सनी, मैं आपका स्वागत करता हूँ रोहित शर्मा ट्रेवल चैनल में। इस वक्त हम हैं लवली ऑटोस एरिना लुधियाना, जो कि फिरोजपुर रोड पे शोरूम है। आज मैं आपको प्रेजेंट करूँगा आपके सामने मारुति की हॉट सेलिंग प्रोडक्ट मारुति स्विफ्ट के बारे में। सबसे पहले गाड़ी की बात करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे कि आप जानते हैं कि मारुति आज की देश में हिंदुस्तान का एक माना हुआ ब्रांड है, जो कि मार्केट में अपना अच्छा नाम बना चुका है। एक हमने बेसिक कस्टमर से लेके प्रीमियम कस्टमर तक की पहचान में बनाए रखे हुए हमने आपको। अब हम बात करेंगे मारुति स्विफ्ट के लिए। मारुति स्विफ्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे सर मारुति स्विफ्ट के एक्सटीरियर के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले किस चीज़ को गाड़ी प्रेजेंट कर रही है वो चीज़ आप गौर करेंगे हम। एक्साइटमेंट, गाड़ी का जो लुक है, जो कि शो ऑफ हो रहा आपके सामने। सबसे पहले शेप की बात कर रहे हैं हम, एरोडायनामिक शेप है गाड़ी की। एरोडायनामिक का बेनिफिट्स ये है कि जब हम गाड़ी हाईवे पर चल रही है या लोकल कंडीशन में चल रही है, एयर की प्रॉपर कटिंग हो रही है, गाड़ी स्पोर्टी लुक्स में है, रोड पर सेफ्टी गाड़ी की बनी हुई है। इसके चलते हम एक गाड़ी को एंजॉय भी कर सकते हैं और सेफ्टी के साथ साथ एवरेज भी ले सकते हैं जी। आगे हम बात करेंगे एक्सटीरियर पर। एक्सटीरियर एक्साइटमेंट्स करके देख रहे हैं आप। जैसे कि हम बात करेंगे इसमें फ्रंट लुक की। फ्रंट लुक जैसे कि ग्रिल, आप गाड़ी की सबसे पहले डिज़ाइन किस चीज़ को शो कर रहा है, डिज़ाइन टू थ्रिल। थ्रिल जैसे कि हम गाड़ी को लोकल के साथ साथ इसको एज ए हिली एरिया में कहीं भी इंजॉय कर सकते हैं, जिसमें कि आप इसे एज ए कह सकते हैं स्पोर्ट्स टाइप कार, एक न्यू जनरेशन कार। इसके चलते हम इसे पब्लिक आज की डेट में इसको लाइक कर रही है। फ्रंट से देख रहे हैं हम अग्रेसिव फ्रंट ग्रिल, जो कि गाड़ी की शेप फ्रंट से जो गाड़ी को स्पोर्टी और बोल्ड बना रहे हैं गाड़ी की शेप के अकॉर्डिंग। सबसे पहले वही जो फ्रंट, जिसमें एक लोगो भी दिया गया है, जो कि इसी को प्रेजेंट कर रहा है कि मारुति सुजुकी कार। अगेन देख रहे हैं हम एलईडी रियर कॉम्बिनेशन लैंप, प्लस इसके साथ दिया गया है एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प विद डीआरएल। एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प विद डीआरएल क्या चीज़ है, इसमें मैं बताना चाहूँगा। प्रोजेक्टर की जो विजिबिलिटी होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल हेलोजन लाइट के, इसकी विजिबिलिटी रोड पर काफ़ी अच्छी होती है नाइट टाइम में। एलईडी प्रोजेक्टर हैंडल विद डीआरएल, जो कि गाड़ी की लुक को स्पोर्टी के साथ साथ सेफ्टी को बढ़ाता है। डीआरएल लैंप्स दिए गए हैं, जो कि डे टाइम में गाड़ी की लुक को एनहांस कर रहे हैं। एलईडी रियर कॉम्बिनेशन लैंप, जो कि गाड़ी के बैक पोर्शन में जैसे लाइट्स के, गाड़ी की सेफ्टी तो बढ़ ही रही है, साथ में गाड़ी के जो बैक पोर्शन है इस पर एलईडी जब नाइट टाइम में आपको विजिबिलिटी देता है तो गाड़ी और भी सुंदर नजर आती है। अब हम बात करेंगे प्रोसेशन कट टू टोन अलॉय व्हील्स की, जो कि गाड़ी के अलॉय व्हील्स गाड़ी की और शोभा बढ़ा रहा है। जिसके चलते टू टोन्स में एक तो सेफ्टी काफ़ी अच्छी है, सेफ अलॉयज हैं। डिस्क पैड जो हैं एयर की फ्लो के कारण डिस्क पैड में प्रॉपर जिसकी कूलिंग बनी रहती है और हमें इंजॉय गाड़ी को ड्राइव इंजॉय कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ओआरवीएम विद टर्न इंडिकेटर, यानी कि बोथ साइड जब हम टर्न करेंगे तो जिसमें हम सामने वाले को भी सेफ्टी पता लग जाएगा कि हम किस साइड में टर्न कर रहे हैं। सेकंड, फोल्डेबल होने के कारण इसमें कंफर्ट काफ़ी एनहांस हो रहा है। कंफर्ट होने से हम इजी टू ऑपरेटिंग दिया गया है, जिससे गाड़ी की सेफ्टी भी बन रही है और हम गाड़ी को एंजॉय भी कर पा रहे हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर को लेकर। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर स्टाइल टू बी स्पोर्टी, गाड़ी का जो इंटीरियर है वो कहीं ना कहीं एक स्पोर्टी डिज़ाइन भी दिया गया है, एक स्टाइल है अलग से जो कि आपको खुद ही अट्रैक्ट करता है गाड़ी की तरफ। अब हम बात करेंगे सबसे पहले गाड़ी के स्पेशियस स्पोर्टी एंड स्पेशियस कैबिन के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि मारुति स्विफ्ट जो कि 2005 का ब्रांड है, लेकिन आज की जो नई स्विफ्ट है इसमें कहीं ना कहीं कैबिन स्पेस को लेके कहीं पहले से मारुति ने काफ़ी कुछ एनहांस किया है। सेफ्टी तो चलिए बड़ी बड़ी है, साथ में हमारा कंफर्ट लेवल काफ़ी अच्छा बढ़ गया है, जिसे हम लॉन्ग ड्राइव के ऊपर इजी टू एंजॉय कर सकते हैं गाड़ी को। उसके बाद हम बात करेंगे लेदर रैप्ड स्टीयरिंग विद फ्लोटिंग विद बॉटम डिज़ाइन की, जो इसका स्टीयरिंग है वो बिल्कुल ही एक अलग सी लुक प्रोवाइड करी है, जो कि किसी भी सेगमेंट में अभी तक ऐसा नहीं आया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लेदर रैप्ड होने के साथ साथ इस पर बॉटम फ्लैट डिज़ाइन दिया गया है, जिसके चलते एक अलग से लुक प्रोवाइड हो रही है और कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें भी अच्छी लगती है देखने में और एक डिफरेंट चीज़ आ रही है। ड्राइवर ओरिएंटेड कॉकपिट डिज़ाइन, जो कि आप देख पा रहे हैं आज की न्यू जनरेशन जैसे ही पसंद करती है हर कार, किसी भी चीज़ को लाइक करती है, तो उन्हें कुछ डिफरेंट चाहिए।
तो डिफरेंट के देखते हैं, हमने जो जिसका डिज़ाइन किया गया है इंटीरियर का वो बिल्कुल अलग है, जिसके कारण हमें चाहे वो किसी एज फैक्टर को लेके हो, किसी को भी हो, इंटीरियर्स को लेके गाड़ी बिल्कुल बहुत सुंदर लगती है। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ड्राइवर ओरिएंटेड कॉकपिट डिज़ाइन के जो सेंटर पोर्शन है इसको 5 डिग्री जो है वो ड्राइवर की तरफ को मूव किया गया है, जिसके चलते जो इजी टू सेफ ड्राइविंग के चलते ड्राइवर को काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अब हम बात करेंगे बोल्स्टर सीट्स एंड एनहांस्ड कंफर्ट। जो इसकी सीट्स का डिज़ाइन है, जो थाई सपोर्ट है, जो लंबर सपोर्ट है, वो गाड़ी के काफ़ी एनहांस कर रहे हैं, जो कि लॉन्ग ड्राइव में जब हम कहीं जाते हैं तो उस केस में हम बॉडी को रिलीफ भी रहता है और हमें बिल्कुल भी स्ट्रेस फील नहीं होता। एक्सपेंडेड बूट स्पेस विद 60-40 स्प्लिट सीट रेशियो, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल बूट स्पेस तो गाड़ी में दिया ही गया, अच्छा है 60-40 का बेनिफिट्स ये मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 लोग हैं, आप 3 लोगों को लेकर जाना चाहते हैं, आपका लगेज भी बहुत ज़्यादा है, तो जिसके चलते आप 60-40 रेशो को वर्क में ला सकते हैं और लगेज भी कैरी कर सकते हैं और 3-4 पीपल को लेके भी जा सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी, बिल्कुल ही अलग तरह की, जिसे हम बोलते हैं कि मारुति ने यूज़ किया है इसमें, अपने न्यू मारुति स्विफ्ट में ऑटोमेटेड फोर जो स्मार्ट प्ले स्टूडियो आप देख रहे हैं, इसमें हम फीचर्स से अगर हम बात करें, सबसे पहले नेविगेशन, जो कि रोड मैप कैसे जो नए रोड बन रहे हैं या पहले के जो रोड हैं, आप इसमें इजीली टू आप इसमें देख सकते हैं और अपग्रेड करके आप अपने वे तक जा सकते हैं। फ़ोन के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर भी दिया गया है, जिसमें कि फ़ोन आप बिना पिक किए आप इसको इजी टू ऑपरेटिंग कर सकते हैं, सेफ ड्राइविंग कर सकते हैं। फ्यूल कितना है गाड़ी में, आप FM सुनना चाहते हैं, किस तरह से आप गाड़ी को एंजॉय कर सकते हैं, आपको मोस्टली इसमें फीचर्स मिल रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ऑटोमेटेड टू ईज, गाड़ी तो ट्रांसमिशन में आपको मिल रही है, जैसे कि ऑटो, गियर शिफ्ट और मैनुअल। मैनुअल नॉर्मली होता है कि मैनुअल हम गाड़ी यूज़ कर रहे हैं इसमें, लेकिन जो हम मारुति स्विफ्ट की AGS टेक्नोलॉजी है, इसको आप मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए इसमें ड्राइव मोड दिया गया है, रिवर्स मोड दिया गया है, न्यूट्रल मोड दिया गया है। हम इस गाड़ी को जैसे नॉर्मली हिली नॉर्मल लोकल में या मान लीजिए हाईवे पर, फिर हम इसको ऑटोमेटिक मोड पर चला सकते हैं, या इनके साथ हाईवे पर हैं आपको एकदम से पावर चाहिए, पिकअप चाहिए, आप उसको इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड, आप हिली एरिया पर अगर आप जाते हैं वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेट जिसे बोलते हैं कि पहाड़ी है कोई, तो उसमें हम यूज़ करने के लिए मैनुअल मोड पर ला सकते हैं, फर्स्ट गियर सेकेंड गियर जैसे आपको जो नीड है उस हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। पुश बटन स्टार्ट, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, जो कि आपको इजी टू ऑपरेट है, कंफर्ट को एनहांस करना है और कहीं ना कहीं सेफ्टी के लिए भी कहीं बहुत बेटर है, आपकी पॉकेट भी सेफ रहती है। स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स इजी टू ऑपरेटिंग है, बिना फ़ोन को हम उठाए टच किए हम इसे फ़ोन अपना पिक कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, वॉल्यूम मोड चेंज कर, ट्रैक चेंज कर सकते हैं, जिसमें इजी टू ऑपरेटिंग है और गाड़ी की इंजॉय भी कर सकते हैं और सेफ्टी भी बनी रहती है। अब हम बात करेंगे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एक बार हमने इसे टेम्परेचर सेट कर दिया तो कहीं ना कहीं हमारे कैबिन में कितना हमें कूलिंग चाहिए, हीटिंग चाहिए, एक बार सेंस करने के बाद ही ऑटो कट ऑफ हो जाता है, दोबारा हम इसे लगा भी सकते हैं, अपने यूजेस के अकॉर्डिंगली इसे सेट कर सकते हैं। स्मार्ट की, स्मार्ट की का बेनिफिट्स ये है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने गाड़ी कहीं पार्क की है, की आपकी जेब की आपकी पास है, आप जस्ट ओनली वन डोर खोलना चाहते हैं या बूट स्पेस को देखना चाहते हैं, ओनली वन की को प्रेस करके हम अपने सूटेबल टू इजी जैसे हम यूज़ करना चाहते हैं गाड़ी को वैसे यूज़ कर सकते हैं, सो इजी टू ऑपरेटिंग है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड सेफ्टी के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर सॉलिड हार्ड टेक प्लेटफॉर्म है, जो कि सेफ्टी रिलेटेड अप है। स्मार्ट हार्ड टेक सॉलिड हार्ड टेक प्लेटफॉर्म है क्या चीज़, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डीप से समझाना चाहूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत सी गाड़ियाँ होती हैं जो कि पहले भी आती थी, आज की डेट में क्या कि इसमें थोड़ा चेंजेस किया गया है, बॉडी शेल को कहीं ना कहीं ऐसी वैसी रखा गया है, जो चेसिस है वो सिंगल फ्रेम में है, जिसे हम कहते हैं हाई टेंशन स्टेनलेस स्टील, जिसमें कि गाड़ी की सेफ्टी अंदर बैठे ऑक्यूपेंट के लिए बहुत ज़्यादा एनहांस कर दी गई है। मान लीजिए गाड़ी रोड पर चल रही है, किसी भी एक्स वाई जेड रीज़न के कारण गाड़ी में इंपैक्ट आता भी है, तो
उस केस में आप इसको सेफ्टी कहीं ना कहीं हमारी बेटर है। आगे हम देखते हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर विद कैमरा, जो कि आपकी गाड़ी की सेफ्टी को एनहांस कर रहा है इजी टू ड्राइव के लिए, कि हमें विजिबिलिटी भी काफ़ी क्लियर रहेगी रियर की, प्लस आपके जो रियर पार्किंग सेंसर है उसकी जो वर्किंग है वो काफ़ी बेस्ट है एज कम्पेयर टू नॉर्मल गाड़ियों के। फ्रंट ड्यूल एयर बैग्स, जो कि सेफ्टी के एक बहुत बड़ा पॉइंट है, हाईवे पर हम गाड़ी लेकर चलते हैं, डिपेंड करता है कि हमारी गाड़ी और प्लस सामने वाली की गाड़ी की जो कंडीशंस हैं, अगर मान इंपैक्ट हो तो उस केस में एयर बैग हमारी जो है फेस इंजरी चेस्ट इंजरी के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं। गाड़ी में स्टैंडर्ड फीचर लिया गया है जो कि हमारे बेस मॉडल से लेकर अपर मॉडल तक सभी में आ रहा है। ABS विद EBD एंड ब्रेक सिस्टम, ABS स्टैंड फॉर एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, ये बहुत ही फ्रेंड्स समझने वाली चीज़ है। एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम होता है कि जैसे गाड़ी रोड पर चल रही है इसको स्किड होने से के लिए सेफ रहता है, प्लस EBD इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन गाड़ी को रोल ओवर नहीं होने देता। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रंट में दो पैसेंजर है पीछे एक पैसेंजर है, गाड़ी को कौन से टायर में कितने ब्रेक फोर्स की ज़रूरत है उस चीज़ को सेंस करके ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई होगी थ्रू आपके ब्रेक असिस्ट। ब्रेक असिस्ट क्या है, इनके सम पैनिक ब्रेकिंग, अचानक जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं अचानक से आपके सामने कोई ऑक्यूपेंट आता है, आपने लगाना ब्रेक था लेकिन गलती से एक्सलेटर में टच हो जाता है तो उस केस में इंजन सेंस कर लेता है तो कहीं ना कहीं हमें ब्रेकिंग दोबारा लगाने का मौका मिल जाता है जिससे हम गाड़ी को सेफ तरीके से रोक सकते हैं। आइसोफिक्स विद चाइल्ड सीट रीस्टेंस सिस्टम, जैसे कि हमारे इंडियन नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली जो गाड़ी का चाइल्ड के लिए स्पेशली रखा गया है, हम यही कहते हैं कि बच्चों को पीछे बिठाया जाएगा, सो इसमें एक आइसोफिक्स चाइल्ड सॉकेट सीट रीसेंस सिस्टम दिया गया है जिसमें हम सीट्स ऐड करके बच्चों को पीछे बिठा सकते हैं तो जिससे उनकी सेफ्टी एनहांस रहती है और जिससे कि सेफ्टी एनहांस के चलते हम बेस्ट ड्राइव भी कर सकते हैं गाड़ी का इंजॉय भी कर सकते हैं। अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे कलर्स के बारे में, जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं हम कलर्स की। सबसे पहले आपके सामने जो स्क्रीन पर आ रहे हैं 6 कलर्स आ रहे हैं गाड़ी के, सॉल्ट फायर रेड है जो कि कहीं ना कहीं आइस को काफ़ी लाइक करता है, सुंदर कलर है, अलग से कलर है बिल्कुल, पर्ल मेटैलिक लूसेंट ऑरेंज ये भी एक डिफरेंट कलर है, कहीं ना कहीं मेटैलिक मैग्मा ग्रे जो कि ये भी अगर हम देखें तो बिल्कुल अलग सी जो कि बहुत ही कम गाड़ियों में आज के डेट में मार्केट में देखा होगा, मैग्मा ग्रे कलर पर्ल मेटैलिक मिडनाइट ब्लू ये भी एक बहुत बेस्ट कलर है, पर्ल आर्कटिक वाइट एंड मेटैलिक सिल्वर मेटैलिक सिल्की सिल्वर। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स स्पेसिफिकेशन के बारे में गाड़ी की, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं गाड़ी के वेरिएंट्स। सबसे पहले हम वेरिएंट्स की बात करेंगे, इसमें LXi VXi, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में मैंने बीच में आपको बताया था कि गाड़ी AGS प्लस मैनुअल दोनों मोड्स में है, तो VXi में आपको VXi मैनुअल और VXi AMT भी मिल रही है, गाड़ी ZXi में सेम ZXi मैनुअल ZXi AMT मिल रही है, सेम प्लस फ्रेंड्स ZXi प्लस एंड ZXi प्लस AMT मिल रही है। अब हम बात करेंगे गाड़ी के CC इंजन कैपेसिटी के बारे में, जो CC एग्जैक्ट है वो है 1197, यानी कि हम इसको अगर वैसे बात करें तो हम इसे 1200 CC में काउंट करते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ सिलेंडर्स जो है वो 4 सिलेंडर्स हैं, मैक्सिमम जो पावर है गाड़ी की वो है 61 किलोवाट 6000 RPM पे, ये किस चीज़ को पावर यानी कि बूस्टअप, कितनी जल्दी हम गाड़ी को 0 to 100 की स्पीड पे लेके जा सकते हैं उस चीज़ को प्रेजेंट करता है। सेकंड अगर मैं PS की बात करूँ तो इसको कुछ लोग मेरे फ्रेंड्स जानना चाहते हैं कि इसका PS कितना होगा, मैं बता दूँगा 75 PS के करीबन हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मैक्सिमम टॉर्क की बात करेंगे, टॉर्क जो है वो गाड़ी की 1113 यानी कि 113 Nm @4200 RPM गाड़ी का जो जैसे मान लीजिए फॉर अगर 4 पैसेंजर 4 हैं या 5 हैं कितने टॉर्क में कितनी गाड़ी को खींचने की क्षमता जिसे हम बोलते हैं वो चीज़ इसमें ज़ाहिर की गई है। एमिशन टाइप BS6 टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है मारुति में। इसके हम बात करेंगे फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में, जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा मैनुअल और AGS में मारुति के अकॉर्डिंगली कोई ज़्यादा मेजर फर्क नहीं है, गाड़ी की जो माइलेज है वो है 23.89 की मैनुअल की और ऑटोमेटिक की करीबन सेम ही है, ज़्यादा नहीं 1 किलोमीटर का फ़र्क भी नहीं रखा है इसमें। फिर उसके बाद हम बात करेंगे फ्यूल टाइप पेट्रोल, गाड़ी पेट्रोल फ्यूल में आपको अवेलेबल हो रही है। अब हम बात करेंगे लेंथ के बारे में, लेंथ जैसे कि आप देख पा रहे हैं गाड़ी जो है वो 4 मीटर से अंडर की है, 3840 mm
और विड्थ की अगर हम बात करें कि 1735 फीट था इसकी, हाइट की बात करें तो 1530, व्हील बेस 2450। सबसे यही चीज़ नोट करने वाली होती है फ्रेंड्स, कभी भी किसी गाड़ी की लेंथ उसके व्हील बेस को ज़ाहिर करती है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं से हमारा कंफर्ट लेवल काफ़ी बेटर हो जाता है। आज की डेट में प्रीमियम हैचबैक में अगर कोई गाड़ी है स्विफ्ट, तो आपके सामने अच्छे व्हील बेस के साथ है, जिससे हम गाड़ी को प्रॉपरली इंजॉय कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रैक फ्रंट, ये टायर के साइज़ है, डिपेंड करता है कि LXI VXI डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ये अब जब मुझे मिलेंगे तो मैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा प्रॉपर आपको। बूट स्पेस, हाँ बूट स्पेस सर फ्रेंड्स पहले से देखिए 268 पहले से नहीं सुख के, अब जो है वो काफ़ी बढ़ाया गया है, जिसके आपको लगेज कैरी करने में काफ़ी हेल्पफुल है। गाड़ी का जो ग्रोस वेट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डिपेंड करता है वेरिएंट टू वेरिएंट, 855 प्लस 885, ये डिपेंड करता है वेरिएंट टू वेरिएंट। ग्रोस वेट आपके सामने लिखा है 1315। इसके बाद हम टाइप, जैसे कि आपको मैंने गाड़ी के बताया था, AGS में भी आ रही है, मैनुअल भी आ रही है, वो चीज़ अगेन दोबारा आ गई। स्टेरिंग टाइप है इलेक्ट्रॉनिक, प्लस जो टर्निंग रेडियस है वहाँ पर बड़ी ही गौर करने वाली चीज़ है। जैसे आज की डेट में पार्किंग को लेके हमें बड़ी ही प्रॉब्लम होती है, या हमें टर्निंग इजी टू ऑपरेटर टर्न करने के लिए 4.8 का टर्निंग रेडियस है गाड़ी का। टायर साइज अगेन आपके सामने वेरिएंट टू वेरिएंट शो होता है, जैसे कि यहाँ पे बेस का दिया गया है। इसी तरह से बाइक जो है वो ZXI प्लस में आ रहे हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 37 लीटर की फ्रेंड, ये फ्यूल टैंक कैपेसिटी, यानी एक बार अगर आपने फुल करवा लिया है तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ की सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब लॉन्ग ड्राइव में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब हम बात करें ब्रेक्स के बारे में, फ्रंट में इसकी जो ब्रेक्स आ रही हैं वो डिस्क आ रही हैं, और बैक में अगर हम बात करें देख सकते हैं हम गाड़ी के बैक में जो टायर है उसमें ड्रम आ रहे हैं, जो कि डिस्क ब्रेक प्लस ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है, जिससे ब्रेकिंग जो है काफ़ी बेटर रहती है। सस्पेंशन बहुत ही मेन चीज़ होती है सर गाड़ी की, गौर करने वाली बात है ये मैक्सन स्ट्रट सस्पेंशन, ये जो कि फ्रंट में यूज़ की जाती है, रियर में टॉरिजन भी, डिपेंड करता है कि हमें बैक पर्सन को कंफर्ट की ज़रूरत है, सामने वाले को ड्राइविंग के लिए उसमें अलग से चीज़ चाहिए। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने देखा गाड़ी की प्रेजेंटेशन मैंने आपको दी, अब मैं थोड़ा छोटा सा एक वीडियो दिखाऊंगा आपको जो कि हाईलाइट्स में है, देख सकते हैं आप। देखिए फ्रेंड्स जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको अभी गाड़ी का प्रेजेंटेशन दिया, माई सेल्फ सनी अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा। सो कहीं ना कहीं अगर आपकी कोई भी गाड़ी को लेकर रिक्वायरमेंट हो तो आप लवली ऑटो लुधियाना फिरोजपुर रोड अयाली चौक पे हमारा शोरूम है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं सनी कश्यप 9915270850। सो आप इसमें मुझे किसी भी इंक्वायरी हो किसी तरह की भी, आप मेरे को कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो नवरात्रि जैसे फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं, दिवाली भी है, अभी रिसेंटली नवरात्रि शुरू हो रहा है, तो इसमें काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफर्स होंगे। सो मैं आपको मिलके इसके बारे में कम्युनिकेट करूँगा। तो अब हाँ मेन चीज़ जो कि आप गौर करने वाली है, रोहित शर्मा ट्रेनर चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लीज़ शेयर प्लीज़ कमेंट एंड लाइक। सो मैं पूरी ही उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और मुझे भी आप कहीं ना कहीं अच्छे कमेंट दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट आपके सपोर्टिव के लिए, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।